आप जानते हैं जिस गांव में दिन भर गैया खूटी घूमती हो वहां गिरारे बिल्कुल साफ सतरे मिलवे वारे नहीं है। क्यों नहीं मिलेंगे? 9 लाख गाय अगर खुली घूम रही हो किसी गांव में तो गोबर ही गोबर होगा कि सबरी गलिन में सबरे खरंजन पे, और वहां से आ जाए गुरुजी मंत्री जी प्रधानमंत्री जी तो बड़ी थू थू होगी। तो आज भगवान के बाबा पिताजी कह रहे हैं कि पूरी गलियां साफ होनी चाहिए, लिपि पुति लिसी एकदम चकाचक, और सब मेरे लाला का स्वागत करना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसको गाँव बुरा लग जाए, गाँव खराब लग जाए, कहीं नाक पकड़ ले मोरी देख के तो शहर को भागनो चावे। गाँव में स्वर्ग बसता है, गाँव में विष्णु बसते हैं, गाँव में लक्ष्मी बसती है, गाँव में प्रेम बसता है, गाँव में रिश्ते बसते हैं, और गाँव में ही भारत बसता है। इसीलिए गाँव को कभी भी प्रेम से ही देखो, नफरत से नहीं देखना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कैसे कम बुद्धि के हो जाते हैं, नेक अंग्रेजी पढ़ जाए और भाग्य से नेक नौकरी लग जाए, 50-60 हजार रुपए महीने मिलने लग जाए कंपनी में नौकरी, 2-3 साल रह लें शहर में कमरा लेके, फिर वो गांव में जाते हैं लोन पे कार खरीद के गांव में, और गांव में फिर कार लेके जाते हैं, फिर देखो उनके नाक नक्शा इतना इतना घूमे महाराज है। 22 साल निकम्मा गांव में ही बड़ा हुआ, भैंस को नभावे हो दिभावे हो गोबर ढारे हो, और नेक नौकरी सी कहाँ लग गई, बड़े फटियो जा रहो फटियो जा रहो हमारा। मैं आपको एक कथा सुनाऊं का अपने बाप दादन की, सुना दूं? सुनो। हमारे ताऊ जी थे तो ऐसे ही वो बताते थे सबके पीछे की जिंदगी के बारे में, तो 40 साल की कथा है कम से कम। हमारा जो जन्म गांव है उसके बगल में एक गांव था, उसका गांव का नाम है नगरिया। उस गांव का एक लड़का लग गो फौज में, और उस समय फौज में कोई लगे ना वो लग गो, और 5वीं पास हो तब 5वीं पास ही लग जाए फौज में। अच्छा, तब 10-12 किलोमीटर तक हमारे गांव के लिए सुविधा नहीं थी आने जाने की, तो तांगो चले वो रेत मिट्टी में कच्चे रस्ते में, तो वो छुट्टी ट्रेनिंग फ्रेनिंग दे के बाल फाल से कटवाए के और वो चितक भर्री सी ड्रेस पहन के आयो, तांगे में लेवे गए, पहले लेवे जावे फौजी छुट्टी आयो तो लेवे गए सबरे। अब लेने गए तो उसको गए हुए फौज में कितने दिन हुए थे, 9 महीने तांगे में बैठ गया, और गांव के चाचा बड़े चाचा छोटे चाचा ताऊ सब ले आए, सब लोग बैठे और बतरा रहे उससे कैसे बेटा कैसा था, कैसी ट्रेनिंग थी, सब सही था, फलाना था ढिकाना था। तो उसने कहा सब ठीक था, बढ़िया था सब था, और ऐसे ही निकला। तो उसने अपने छोटे चाचा से पूछा, खेत में पालक खड़ा था, पालक तो खेत में पालक, अरे तू रुक जा छोरा, आंगा आंगार काहे को फेंक रो है, पालक गुप्ता जी 9 महीने में केवल आदमी लौटा गाँव से। तो उसने चाचा से पूछा, चाचा ये क्या है हरी हरी सी घास? चाचा ने कहा बेटे ये वो है जाको पराठो बने जय कढ़ी में डाले, ये पालक है पालक। ओके, अच्छा पालक। थोड़े से और आगे बढ़े महाराज, तांगे में बैठे हो फौज में से आयो, अब्बा ने ताऊ से पूछो, अच्छा ताऊ जी ये जो हरी सी डंडी वाला इसमें ये जो भुट्टा सा है ये क्या है? तो कहा ये बेटे मक्का है मक्का। थोड़ी सी आगे गए, बरसी बो रखी थी बरसी, और बरसी की डोर पे पहले वो बो दे बे सौंप प्याज लहसुन मूली, तो प्याज बो रखी थी उसी के बाप ने अपने खेत के नजदीक पहुंच को। तो कहा पिताजी ये जो घास में चारे की भैंस की घास में ये जो जगह जगह गोल गोल सी जमीन में है ये क्या चीज है? तो कहा बेटा जी प्याज है बेटा। लास्ट सबरे तांगे में चाचा काका अंदर से भड़बड़ा रहे थे कि 9 महीना में सबरी चीजन ने भूल गो जी। तो
आगे गांव के गौड़े में पहुंच गो, और गांव के गौड़े में जाके अंतिम खेत में गेहूं खड़े। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूं पिताजी, ये जो गांव में ये नजदीक खेत है इसमें ये चीज जो क्या है, ये क्या खड़ा है? तो पिताजी ने कहा बेटे उसको बाद में बताऊंगा, तू तो सब चीजें नहीं भूल गो बेटा। पाम में तिवाने उतारी पन्हा, जूती उतारी जूती। उसको कहा कि बेटा ये बता, तू तीसरी में पढ़वे जाता नहीं था तब तेरी खोपड़ी पे पड़ती इन तो ना है भूल गो, तू प्याज है भूल गो, गेहूं ने भूल गो, पाल के भूल गो, 9 महीना में। तो कुछ लोग जो है जानबूझ के ऐसे दिखावे जैसे ये कुछ जाने ही ना गांव के बारे में। अच्छा ये क्या है, ये कौन सी गली है? अच्छा ताऊ जी ने यहाँ बंगला बना लिया, ताऊ जी ने ऐसा बताता जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं है, ताऊ जी को जानता ही नहीं है। अब गुप्ता जी तुम जाओ करिया कुछ हो तुम, ऐसा काम नहीं बिगड़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो आदमी ऐसे भ्रम फैलाए ज्यादा नाटक सो करे तो कबू कबू पुरानी याद दिलवा दिया करो, तुम अपने घर में तुम्हारे घर में भी ऐसे रह में। अच्छा कुछ लोगों को मम्मी पप्पा में से भी बांस आने लगती है। हाँ बेटा ने कलेक्टर हो जाए, बहू आ जाए उसकी, फिर ऐसे बांस सी आवे, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे गांव में, वहां पे लोगों से बांस मारती है। ये बताओ, अरे तुम जो ऑफिस में जो बंगले में दिल्ली में जो 10वीं मंजिल के फ्लैट के जो किचन है ना उसमें तुम जो बेसन बना रहे पकोड़े जो बना रहे, ये ताऊ जी के खेत में पैदा हो में, ये पसीना बहाता है बांस निकालता है तब तुम बेसन कड़ी खामे वहां बैठे बैठे, इसीलिए गांव के लोगों में तो बांस आवेगी क्योंकि उन्हें तो बाजरों काटना पड़े, सरसों काटनी पड़े, गेहूं की लामनी करनी पड़े। तुम लोग अपने नहा धो के ऑफिस में जाओ, एसी में रहो, सब करो, पर गाँव में जाके इतराओ मत, उनको मत जलाओ जो बेचारे परेशान हैं। तुम जाके मदद नहीं कर सकते तो उनके आतड़े पितड़े मत जलाया करो, ये मैं बताना चाहता हूं कथा में। अगर यहां भी कोई नटकटा बैठा हो तो सुधर जाओ। अच्छा कुछ लोग गांव की बड़ी बेइज्जती करते, गांव में कुछ नहीं है, गांव में कुछ नहीं है, गांव में कुछ नहीं है। अच्छा कुछ नहीं है तो तू कहां से आया, गांव में कुछ नहीं है बताओ। अच्छा ये सब पहले बताओ, समझदार लोग बैठे हैं गद्दियों पे, क्योंकि समझदार ही होते हैं पीछे आने और आगे बैठने उनको समझदारी तो कहे, तो ये सब लोग ज्ञानी समझदार लोग होशियार लोग बैठे हैं, यही बताओ। अच्छा बोलो गांव में कुछ होता है कि नहीं होता है? अच्छा बताओ दिल्ली में दूध कहाँ से आता है? गांव से। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। अच्छा दिल्ली में ये टमाटर कहाँ से आते हैं? तो कुछ नहीं होता गाँव में फिर, तो इनके मुँह पे क्यों नहीं मारते खींच के जो बोलते गांव में कुछ नहीं है, गांव में कुछ नहीं है, गांव में कुछ नहीं है। अरे जो बैंगन को भरता खावे तेरे जीप पे पानी टपके वो वहीं से आवे लल्लू। इसीलिए भारत कहां बसता है? गांव में। बोलिए भारत माता की जय हो।